गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 11। परी को जस्ट खाना वाना खिलाया और नहलाया, उसके बाद परी को सुला दिया और अभी मतलब 11:30 से ऊपर हो गए। परी सोई थी 11:30 बजे, उसके बाद मैं नहाई हूँ और अभी बस खाना मैंने पहले खा लिया था परी के साथ। अभी मैंने अपने बर्तन धोए हैं, बर्तन बच रहे थे, और साथ में मैंने घोल बनाया है इडली के लिए, ताकि लंच में मैं परी के लिए इडली बना सकूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये सूजी और दही का घोल बनाया है मैंने, इस पास नमक डाला है और इसके साथ बनाऊंगी मैं टमाटर की चटनी। लेकिन जैसे हम लोग थोड़ी सी गाढ़ी चटनी खाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है, तो परी के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लिक्विड फॉर्म में बनाऊंगी, ताकि इडली के ऊपर पोर कर दे तो इडली भी सॉफ्ट हो जाएंगी और परी को टेस्ट भी आएगा। तो जब मैं चटनी बनाऊंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि परी अभी तो सोई है, तो दो बजे तक उठ जाएगी आई थिंक। उसके बाद फिर परी को जब मैं इडली खिलाऊंगी और चटनी बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी स्टार्ट हो गई बहुत तेज़ बारिश, बारिश आती ना मुझे बहुत मज़ा आता है। बारिश स्टार्ट हो गई और अभी मतलब 2 मिनट पहले ही वॉकिंग स्टार्ट करने से पहले ही अभी रवि आया था, मेरा भाई। रवि घर गया हुआ था मम्मी पापा के पास, उसका सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो अभी लास्ट वीक मेरे मम्मी पापा हरिद्वार और ऋषिकेश गए थे घूमने, क्योंकि पापा रिटायर हो गए थे कंपनी से भी जहाँ पापा अभी जॉब कर रहे थे। आर्मी से पापा पहले रिटायर हो गए थे, उसके बाद पापा हीरो मोटोकॉर्प में जॉब कर रहे थे, वहाँ से पापा रिटायर हो गए हैं। तो सोचा थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। हम बोलते रहते हैं मम्मी पापा को कि आप घूमने जाओ, बट अब वो जाते ही नहीं है। तो फिर वो लोग गए थे हरिद्वार और ऋषिकेश, तो तीनों बच्चों के लिए बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस लाए थे और प्रसाद था, सिंदूर वगैरह था वहाँ का, तो आना हो नहीं पा रहा था उनका। तो रवि अभी गया था तो उसके हाथ पापा ने भिजवाए हैं। रवि रुका भी नहीं देख के और चला गया। मैंने उसे बोला भी था खाना खा ले, बट वो अपने दोस्त के साथ था। तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी पापा ने क्या क्या भिजवाया है। तो ये तो तीनों बच्चों की ड्रेस है, मैं आपको बता देती हूँ। ये है रुद्र की, ठीक है, इसमें ऊपर कैप है, और कान्हा जी की ड्रेस है। ये वाली जो ड्रेस है ये रिद्धि की है, इसमें भी कान्हा जी वाली ड्रेस है और हैट है, मतलब कैप रुद्र के लिए और परी और रिद्धि के लिए हैट है। ये परी की ब्लू कलर की हैट है और येलो कलर की कान्हा जी की ड्रेस। तो अभी बच्चे छोटे हैं तो कान्हा जी बनाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर परी को राधा बनाएंगे या फिर रिद्धि को भी। अभी फर्स्ट है, मतलब पिछले साल भी मैंने परी को कान्हा जी बनाया था, बहुत क्यूट लग रही थी, और अभी उसके बाल बड़े नहीं हुए। अगर बाल बड़े हो जाते तो मैं राधा जी बनाती, बट अभी बाल छोटे हैं तो उसको कान्हा जी बनाएंगे। वैसे भी राधा रानी और कृष्ण जी एक ही होते हैं, तो राधा जी बनाए या कान्हा जी बनाए एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो हो तीनों बच्चों की ड्रेस और कैप। साथ में एक ये फ्रॉक रिद्धि का है, ये वाला, ये एक्चुअली शायद नीतू दीदी ने मंगाया था, तो गलती से एड्रेस की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ये हमारे बाउल वाले घर में चला गया था वहाँ गाँव पे, इसलिए मम्मी ने भिजाया है। और इसमें है प्रसाद। ओके, तो मम्मी ने दो प्रसाद की थैलियाँ भिजवाई हैं, एक ऑब्वियसली नीतू दीदी की है, सिद्धनाथ पंचमेवा मंशा देवी प्रसाद, अखरोट इलायची दाना पंचमेवा प्रसाद आदि हरिद्वार उत्तराखंड। ये मतलब एक दीदी की है और एक मेरी है, सेम ऐसे ही एक सिंदूर की डिब्बी दीदी की है और एक मेरी है, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारी सी, कितना कलर कितना प्यारा, ये ब्यूटीफुल सी लड्डू गोपाल की ड्रेस है। ये लड्डू गोपाल की ड्रेस नीति दीदी के लिए है, क्योंकि नीति दीदी के घर में लड्डू गोपाल हैं, वो लोग सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की। और ये प्यारा सा कड़ा है जिस पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा फोकस करके दिखाती हूँ, ओम नमः शिवाय। ये मम्मी पापा ने परी के लिए भिजवाया है, देखूँगी क्या पता उसके आएगा कि नहीं, बट पहना के देखेंगे। तो ये सारा सामान मम्मी पापा ने भिजवाया। तो मम्मी पापा मतलब कितने स्वीट होते हैं ना, वो लोग खुद के लिए घूमने गए थे बट फिर भी हमारे लिए इतनी सारी, बच्चों के लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आए हैं, प्रसाद लेके आए हैं। तो मतलब मम्मी पापा कभी बच्चों को नहीं भूलते हैं, और ये बात जब समझ आई जब मैं खुद माँ बनी हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ ना, अब मेरा खुद के लिए मैं कुछ भी लेती हूँ ना, उससे पहले मैं सोचती हूँ परी के लिए सैंडल ले लूँ, परी के लिए ड्रेस ले लूँ, परी के लिए खाने के लिए ले लूँ।
तो आई थिंक सभी पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, जब हम खुद पेरेंट बनते हैं तब हमें ये चीज़ें समझ आती हैं, उससे पहले नहीं समझ आती हैं। तो थैंक यू मम्मी पापा, आई नो आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने बच्चों के लिए इतने सुंदर सुंदर कपड़े लिए और हमारे लिए इतना सारा प्रसाद लाए, सिंदूर लाए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बारिश और तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। हमारा परू बेटू उठ गया। परू उठ गए क्या आप? ओले ओले ओले, बच बच बच। हाँ बेटा, ये नानी सा ने भिजाए आपके लिए कपड़े प्रसाद। हाँ परू, कुछ ये दे, आपकी ड्रेस प्रसाद, ये नानी सा ने भिजवाया आपके लिए। गिर मत जाना, आराम से आराम से आराम से आराम से। अभी सो के उठी, मुंह बना हुआ है। अब मैं इसके खाने के लिए बना लेती हूँ कुछ, पहले एप्पल खिला देती हूँ, फिर बाद में इडली वगैरह बना के खिलाऊंगी, क्योंकि इसका एप्पल रखा हुआ, कल से एप्पल नहीं खाया इसने। चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से तो बन गई होगी। यस बन गई है मेरी इडली। अभी इसे निकले, पहले मैं टमाटर की चटनी बना लेती है। मैंने दो टमाटर ले लिए क्योंकि बहुत रहेंगे, परी के लिए ही बनानी है और दो दिन तक काम आ जाएगी, फ्रिज में रखेंगे तो इन्हें हम पीस लेंगे। इसमें बाद में इसमें हम छोंक लगाएंगे राई का, कड़ी पत्ते का और नमक डाल लेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए। हमारी इडली बनकर बिल्कुल तैयार है। ये रही हमारी होममेड टमाटो चटनी, जो कि बहुत ही यम्मी है। परी 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 परी, ब्रश कहाँ है? और गिरी 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 गिरी। चलो 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 खाना खाएंगे, चलो। मैं परी को एक एक पीस ही देती हूँ, नहीं तो ये सारा बिखेर देती है। दे रही इसकी इडली थोड़ी सी तोड़ तोड़ के और उसमें चटनी मिक्स कर दी। और ये रही मैं, परी खा रही है अपना आराम से बैठ के। बच्चूड़ा खा लो खा लो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मैं अभी सो के नहीं उठी। अगर आपको ऐसा लगा होगा सो के उठी है, मेरी एक्चुअली रात से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वॉमिटिंग हो ही जा रही है और मैंने कुछ खाया भी नहीं। रात को दाल रोटी खाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं खाया, ना बाहर का खाया, पता नहीं क्या हो गया। पूरी रात हो गई परेशान होते होते, फिर सुबह ये बोले चल डॉक्टर के बैठ, जो हमारे घर के पास डॉक्टर है 10 बजे बैठता है। फिर मैंने इन्हें बोला आप तो ऑफिस जाओ, 22 के साथ चल जाऊँगी। फिर अभी 22 के साथ गई थी, दवाई लेके आई हूँ, दवाई ले ली है, दलिया चढ़ाया, 22 रोटी सब्जी बना के लाए थे, बट डॉक्टर ने मना किया, दलिया खिचड़ी खाने के लिए बोला है, तो दलिया चढ़ाया मैंने। एक दवाई बोली थी जैसे वहाँ पे इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने, उसके बाद बोला था आधे घंटे तक कुछ मत लेना, फिर आधे घंटे बाद दवाई बोली थी तो वो तो ले ली है, इसमें से ली थी। और ये सब खाना खाने के बाद लेनी है और उसके बाद फिर ORS लेना। परी 22 के पास ही ऊपर भाई, उसे खिला रहे नहला रहे उला रहे, पता नहीं क्या ही हो गया, एकदम से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, हाथ पैर भी ऐसे कांप रहे हैं ना जैसे बिल्कुल ही जान निकल गई उस शरीर में से। तो इतने दलिया बन रहा है, मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, नहा लेने से ना थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। और मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, सांस फूल रहा है मेरा। गुड मॉर्निंग, तो अभी जस्ट परी को नहला के सुलाया है, परी के पापा ऑफिस गए और अभी मेरी तबीयत भी काफ़ी बेटर है। मतलब जी तो घबरा रहा है बार बार ऐसे, मतलब लेकिन दवाई वॉमिट नहीं आ रही है, कहने मतलब ये जी तो घबरा रहा है बट वॉमिट नहीं आ रही है क्योंकि दवाइयाँ ले रही हूँ रेगुलर।
बस खाना वाना बना लिया था सुबह ही, इसके पाई के पापा ऑफिस गए तभी। अब कपड़े धोने के लिए डाले और एकदम से ना आंधी आ गई है, बट मौसम अच्छा हो रहा है, शायद बारिश आ जाएगी। आंधी मतलब रेत नहीं उड़ रहा है, वैसी हवा चल रही काफ़ी तेज़, तो गेट वगैरह भी बंद कर दिया है मैंने। बस अब पहले मैं सोच रही हूँ मैं नहा लेती हूँ ताकि मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएं, नहीं तो पड़े रहेंगे फिर। तो नहा के आती हूँ, परी भी सो रही है, फिर परी उठेगी तब खाना खाएंगे। सुबह थोड़ा हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने परी के साथ ही, क्योंकि टैबलेट्स लेनी थी। और बस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और मैं भी जल्दी से बेटर होने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं अब प्रॉपर रेगुलर व्लॉग्स डालूंगी, बट क्या करें मेरी वापस से तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ और बेटर फील हो जाएगा नेक्स्ट व्लॉग तक। तो तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जैसे आप हमेशा करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।